नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में कीर्ति, लेकर हाजिर हूं बड़ी चर्चा। 14 फरवरी 2019 ये तारीख हर भारतीय के लिए महत्व रखती है। इस दिन पुलवामा हमले में भारतीय सेना के 40 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। जवानों की शहादत के बाद केंद्र व राज्य सरकारों ने न केवल इन्हें श्रद्धांजलि दी बल्कि परिवार को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में एक परिवार ऐसा भी है जिसे अब तक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई धनराशि नहीं मिल पाई है। देखिए क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में, उसके बाद कोशिश करेंगे जानने की कि क्यों अभी तक पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की मदद सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। वर्ष 2019 में फरवरी महीने की 14 तारीख को सीआरपीएफ में तैनात आगरा के थाना ताजगंज के कहरई के रहने वाले कौशल कुमार रावत पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद शहीद के परिवार को सरकार और अन्य विभागों से आर्थिक मदद की घोषणा की गई। सरकार से मिलने वाली मदद जैसे तैसे शहीद के परिवार को मिली, तो वहीं शहीद कौशल कुमार रावत के परिजनों के लिए आगरा के शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों ने भी अपने वेतन से 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी। घोषणा के साथ ही 1,000 रुपए की राशि शहीद के परिवार के लिए जमा भी हुई, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने शैक्षिक संस्थानों से जमा हुई आर्थिक मदद की 65 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में सितंबर 2019 को जमा कर दी। तब से आज तक शहीद की पत्नी ममता रावत अधिकारियों व मुख्यमंत्री कार्यालय के कई चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक उनके परिवार को मिलने वाली ये राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं शहीद की पत्नी ममता रावत का कहना है कि उनके पति देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती हुए और देश के लिए ही शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने उनके परिवार की कोई मदद नहीं की। शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए सरकार उन्हें जगह भी नहीं दिला सकी, अपनी जगह पर ही उन्होंने प्रतिमा लगवाई। इतना ही नहीं, शिक्षकों के वेतन से मिलने वाली आर्थिक मदद को भी मुख्यमंत्री अपने राहत कोष में रखे हुए हैं। वहीं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद भी आज तक न आर्थिक मदद की राशि मिली और न ही उनके पति की प्रतिमा का अनावरण हुआ। शहीद के परिजनों की सरकार को कोई चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, ममता रावत का ये भी कहना है कि शहीद की शहादत के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। 2 साल से वो लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। वहीं शहीद की पत्नी ने अंतिम चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर उनके मामले में जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेंगी। मैंने वीडियो वायरल किया था सर, जब मेरे पति 2019 में पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, सीआरपीएफ में 40 जवान शहीद हुए थे उनके साथ। जब मैंने मेरे पति की शहादत के बाद एक एक दिन का वेतन एकत्र किया था टीचर विभाग का, तब वो पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला है। वो पैसा मुझे यहाँ मिलना था, वो उन्होंने कर्मचारियों ने डीएम साहब ने वो मुख्यमंत्री राहत कोच में पहुँचा दिया वो पैसा अभी तक नहीं आया। मैंने कितने चक्कर नखलों के लगाए, कितने चक्कर मैंने डीएम ऑफिस के लगाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना मेरे पति की स्कूल का नाम हुआ, ना मेरे पति का द्वार बना, ना मेरी मूर्ति का उद्घाटन कर रहे, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी बस ये अब आखिरी बार वीडियो बना रही हूँ, नहीं सुनेंगे तो मैं अपने पति की जहाँ प्रतिमा बनी है वहीं मैं मतलब आत्महत्या कर लूँगी जब तक सरकार सुनेगी। नखलों जाते हैं तो अंदर जाने नहीं देते हैं। एक बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पता नहीं फ़ोन करते हैं, यहाँ हमारी हमको आकर यहाँ से टालम टाल कर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी यहाँ। बीच में हुआ था कि हाँ दिनेश शर्मा जी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी आचार संहिता लग गई तो मना कर दी, आचार संहिता लग गई, बोला अब हम नहीं आएंगे। अब 2022 में फिर वोट है, फिर तो वो चक्कर पर चक्कर लगाते सबके यहाँ, जब क्या हो जाता है और अब एक शहीदों की शहादत पर खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। तो ये दर्द था शहीद कौशल रावत की पत्नी ममता रावत का। इनकी नम आंखों और बातों से ये साफ बयां हो रहा है कि आखिर किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि कब प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुलती है और कब शहीद के परिवार को इंसाफ मिलता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
चर्चा का आगाज करेंगे और आज का बड़ा सवाल यही है कि जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी और जवान शहीद हो गए, उनकी लिए अभी तक सहायक राशि उन्हें क्यों नहीं मिल पा रही और पीड़ित आज भी उनके परिजन जो है वो दर दर भटकने को क्यों मजबूर है, तो इस पर चर्चा का आगाज करते हुए आज हमारे साथ सपा से नेता विवेक पांडे जुड़े हैं, साथ ही साथ भाजपा नेत्री हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी जुड़ी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट सूबेदार मेजर हमारे साथ जुड़े हैं ऋषि दीक्षित जी, साथ ही साथ हमारे साथ शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत जी भी जुड़ी हुई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो सबसे पहला सवाल अनीता जी मेरा आपसे, आपने सुना होगा उन पीड़ितों का दर्द आप समझ रही होंगी कि जिन्होंने जिनके घर परिवार वाले शहीद हो गए पुलवामा अटैक में, उसके बावजूद भी वो आज तक परेशानियां झेल रही हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, सहायक राशि नहीं मिल पाई है उन्हें, ऐसा क्यों? भाई उनको राशि मिली है पहले भी, और मैं आपको जहाँ तक मुझे ध्यान है कि पिछली बार केशव मौर्य जी ने सब पुलवामा को बुलाकर उन्होंने भी अपनी तरफ से भी उनको राशि दी थी और वो दिया था, और ये कोरोना काल के कारण हो सकता है कुछ लोगों को ना मिलो, बाकी ये कहना कि किसी को नहीं मिली ऐसा नहीं है, कई लोगों को मिल चुकी है, और आप इसे उनको पूरी तरीके से सरकार पर भरोसा होना चाहिए क्योंकि सरकार हमेशा शहीदों के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनके लिए खड़ी है, ये तो उनको भी भरोसा होना चाहिए, और इसको जो बात है वो अपनी बात को रख सकती है, आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री में, लेकिन अनीता जी उन्होंने साफ कहा है कि वो मिलने जाती है तो मिलने नहीं दिया जाता है, इतना आसान नहीं होता है मुख्यमंत्री से मिलना और कोरोना का बहाना देकर। ना ना ना, इधर देखिए कोरोना के कारण गंभीर मुलाकात हुई होगी अलग बात है, लेकिन वैसे मुख्यमंत्री जी सबसे मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का उसका समय भी तय होता है, वो अक्सर लोगों से मिलते हैं और लोग उनसे अपनी बात रखते हैं, ये अपना जो भी इनका मंडल है जाके मिलके बात कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे मैंने जानकारी है कि इनको पुलवामा में, सुन लीजिए, इनको पुलवामा में काफी हेल्प हो चुकी है, हाँ इनके बच्चों को नौकरी वोकरी की भी बात चल रही है, नौकरी की बात भी कई लोगों को मुझे केशव मौर्य जी ने सुन लीजिए, आसान नहीं है बिल्कुल, कितना आसानी से आपने बोल दिया, जिन्हों वो शहीद जिन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना हमारी रक्षा के लिए शहीद हो गए, आप उनके लिए नौकरी वोकरी का ना आप वर्डिंग यूज कर रही है कि दे दी जाएगी, नहीं, 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 क्या इतनी आसान है? मेरी पहले बात सुनिए, मैं ये नौकरी की कह रही हूँ कि नौकरी भी उनके लिए कही गई है और उनको पूरी धनराशि देने के लिए बात की गई, दी भी गई है, ऐसा नहीं कि नहीं दी गई है, 3 साल से अधिक का टाइम हो चुका है, ना 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 ना, ये आप देखिएगा आप इसको पूरे, कई लोगों को दे, कुछ लोग हैं जिनको नहीं मिली होगी, मैं मानती हूँ उन लोगों कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन कही कि किसी को नहीं मिली ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब केशव मौर्य कार्यक्रम कराया था वहाँ पे आए थे, लोगों ने कहा बताया कि हमको कहा भाई हमारे बच्चे को नौकरी के लिए कहा गया है, किसी ने कहा हमारी पत्नी को नौकरी के लिए कहा गया है, पत्नी ने बोला था, तो वहाँ पे पूरा एक कार्यक्रम हुआ था पुलवामा लोगों के, और उनके शहीदों की पत्नियों को उनके परिवार वालों को बुलाया गया था, उन्होंने अनीता जी जो आप कुछ लोगों की बात, ठीक है आप जो कुछ लोगों की बात कर रहे हैं वो कुछ लोग ही हैं जो हमारी देश की रक्षा करते हैं अपनी जान की अपने परिवार की फिक्र किए बिना, ठीक है अगर आप ये कह रहे हैं कि उस कुछ लोगों में शामिल है तो उन कुछ लोगों में ममता रावत भी हैं और वो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल भी हैं, तो आप उन्हीं के मुंह से सुनिए कि वो क्या दर्द बयां कर रही हैं, वो क्या पीड़ा से इस 3 साल से ज्यादा झेल रही हैं, अनीता जी प्लीज आप पहले सुन लीजिए कि क्या दर्द है उनके अंदर, आज आपको बुलाया गया है उनका दर्द सुनाने के लिए कि शायद उनकी गुहार उनकी आवाज सीएम और पीएम के कानों तक नहीं जा पा रही है, और जिसकी बात आप कर रही है कि मुआवजा दिया गया है तो आप उनके मुंह से सुनिए कि वो एक एक दिन एक एक पल अपना कैसे काट रही है। जी ममता जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 3.5 साल होने को आ रहा है, किन दर्द से आप झेल रही हैं, राशि नहीं दी गई अभी तक आपको सहायता, ममता रावत जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है ममता रावत जी की आवाज अभी नहीं आ पा रही है। ऋषि दीक्षित जी मैं आप पर आना चाहूंगी, जिस तरह से अनीता जी कह रही हैं कि आपको लगता है ये सही है, जो 40 जवान हमारे शहीद हो गए क्या उनके लिए ये नौकरी और ये जो सहायक राशि होती है ये मुझे नहीं लगता बड़ी रकम है एक जान से ज्यादा? पहले तो मैं दोबारा से उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश के अंदर शहीदों को
या सैनिकों को अपने ड्यूज के लिए इस तरह से सामने आके कहना पड़े और बताना पड़े, मीडिया तक में इन चीज़ों पर डिस्कशन हो, तो मैं तो खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस बात पर डिबेट करने आया हूँ यहाँ पे आज कि एक शहीद परिवार के उनकी जो वीर नारी हैं उनको ये कहना पड़ रहा है कि देखिए ये हमारा ड्यूज है और हमें नहीं मिल रहा है। इतनी संवेदनहीनता जो है चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो वो नहीं ही होना चाहिए। और अच्छी बात है अनीता जी का मैंने अभी डिबेट सुना और बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने कही है, गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो बातें उनके मन में आई हैं बजाय उनका वेट किए हुए, उनकी वीर नारी का वेट किए हुए वो मुख्यमंत्री जी को और अपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को, संबंधित मंत्री को ये जरूर बताएं कि जो भी उनके ड्यूज हों वो उनको इज्जत के साथ में उनको आके यहाँ मिलना पड़े, मुख्यमंत्री से मिलें, फिर बाबू से मिलें, फिर उनके सेक्रेटरी से मिलें। ये क्या तमाशा है, जिस देश में शहीदों की इज्जत नहीं होती उस देश की भी इज्जत लोग नहीं करते हैं। प्रतिमा लगाने तक की जगह ऋषि जी नहीं मिली, प्रतिमा लगाने तक की जगह नहीं मिली एक पीड़िता को। और ये चर्चा इसलिए भी रखनी अहम हो गई कि क्योंकि कहीं ना कहीं हम माध्यम बनते हैं अगर उस आवाज को उठाने के लिए, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते कि हम वो उठा रहे हैं आवाज। शायद तक ये जरूरी बन जाता है कि एक पीड़िता अपने पति को खो देने के बाद, उन बच्चों ने अपने पिता को खोया है, उसके बावजूद वो दर दर भटक रहे हैं सहायक राशि प्राप्त करने के लिए। मैं बोलूं जी, प्राइम टीवी का मैं शुक्रगुजार हूं कि बड़ी बहादुरी के साथ में इन चीज़ों को उठाना एक वो अपना गर्व समझते हैं और जिम्मेदारी समझते हैं। एक शहीद परिवार की प्रतिमा वहां नहीं लगी जबकि कही गई, उसके ड्यूज थे वो नहीं मिले, उनका कहना है, उनकी वीर नारी का कहना है यहाँ पे कि वो आए उनको मिलने नहीं दिया गया। ये क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे तो हमको खुद शर्मानी चाहिए। और मैं दोबारा से बात कहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो दोबारा से इस पर सक्रिय होकर के सिंगल विंडो सिस्टम में, 10 जगह कोई नहीं जाएगा, अगर 10 डिपार्टमेंट से कोई सहायता राशि मिल रही है तो 10 डिपार्टमेंट में न जाना पड़े। एक कोई भी व्यक्ति जो है, एक कोई संस्था, एक कोई उनमें से अधिकारी ऐसा नियुक्त हो जो उनके सारे ड्यूज को इज्जत के साथ उनको बख्शे, तब जाके उस वीर की शहादत का सम्मान होता है और देश का और देशवासियों का सीना गर्व से ऊंचा होता है। बिल्कुल, अनीता जी आपको क्या लगता है, एक पीड़िता जब अपने मुंह से खुद ये बात कहती है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक एक राशि 1,000 रुपए का उन्हें सहायक राशि दी गई, उसके बावजूद ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में पहुंच जाती है लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाती है, और वो लगातार इसको लेकर भटक रही है, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रही है लेकिन उनकी सहायता नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा हमें लगता है कि सीधे जिला अधिकारी से मिली होती तो उसका काम आराम से हो गया होता, मुझे नहीं लगता कि सबका हुआ ऐसा, तो कुछ मेरे कहते एक आध ऐसे जो खुद नहीं पहुंचा होगा, मैं मानती हूँ उसी बात को। मैं ये नहीं कहती सबको, बाकी ऐसा नहीं कि धनराशि दी नहीं गई है, उन लोगों की मदद नहीं की गई, हम शहीदों के साथ हमेशा उनको नमन करते हैं, उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, उनके उन लोगों के साथ है। अगर ये अपने वहाँ पे जिलाधिकारी के पास एक बार आवेदन दे दे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, केवल जिलाधिकारी से मिले इनका काम हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल दावे से कहती हूँ। अनीता जी, ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, अगर पटना की बात करें, पटना में भी हवलदार संजय कुमार भी हैं जिनको अभी तक जो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं जिनके परिजन अभी तक, और ऐसे तमाम कितने मामले हैं जिनको लेकर आज भी पीड़ित दर दर भटकते हैं। नहीं देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कह रही हूँ कि मैंने कहा ना कि ये आप देखिए, अगर ये किसी को ना मिली होती, सबको ना मिली होती तो इसका एक बड़ा इश्यू हो जाता। मैंने कहा ना, इसमें कुछ शायद 2-4 लोग ऐसे रह गए होंगे जिनको नहीं मिली, वो अपनी बात को अपने जिलाधिकारी के पास रखे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल अनीता जी, सवाल यही है, मुझे अच्छे से याद है, वो 40 लोगों की, आप सुन लीजिए एक सेकंड, प्रियंका रावत जो थी तो उनसे प्रेशर इस चीज का दूर करती कि जब यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो वो आई होंगी, उस कार्यक्रम में सभी पुलवामा को बुलाया गया था, उनको सबको हमारे सामने काफी मदद दी गई थी, हर तरह से उन्होंने ये अपने अनाउंसमेंट भी किया था कि हमें सरकार की तरफ से हर तरह की मदद मिल रही है, उन्होंने वहाँ पे कई शहीदों ने चीज को बोला था। आज प्रियंका रावत जी से आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, मैं खुद उनसे बात करती
कि आप उस कार्यक्रम में आई थी कि नहीं आई थी, उनको हर उनके पास यहाँ से पत्र जाते हैं, तमाम जो आपके दावे हैं उनके पास पहुँचता है। ठीक है, आपके जो ये तमाम अनीता जी दावे आप जो कर रही हैं उस पर खुद शहीद की पत्नी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता जी क्या कहना है आपका, हाँ, कौन सी पीड़ा से आप गुजर रही हैं? आपसे मैं जानना चाहती हूँ जी, मैं आऊंगी अनीता जी, आप सारे जवाब दीजिएगा, समय बहुत है आपको, मैं पूर्ण समय दूंगी। एक सेकंड ममता जी से एक क्वेश्चन मुझे पूछ लीजिए कि ममता जी ये बता दे, जब केशव मौर्य जी ने कार्यक्रम कराया था उस कार्यक्रम में आप आई थी कि नहीं आई थी? कार्यक्रम नहीं चाहिए, सहायता चाहिए। कार्यक्रम में गई ना गई ये मसला नहीं बनता है अनीता जी, जो कार्यक्रम में नहीं गया उसको राशि नहीं मिलेगी। अरे सुन लीजिए, जो कार्यक्रम में नहीं गया उसको राशि नहीं मिलेगी। अरे आप मेरी बात, उनको वहाँ सहायता के लिए बुलाया गया था, सहायता दी गई थी अनीता जी। ठीक है ठीक है, मैं आप पर आऊंगी, मैं ममता जी से पहले पूछ लूँ। जी ममता जी, सहायता का ही कार्यक्रम था। हाँ मैम जी, मैं जी केशव मौर्य जी ने बुलाया था, उसमें परिजनों के परिवार को 11-11 लाख रुपए, माताजी पिताजी को 11 लाख रुपए मुझे भी दिया था, वो पीडब्ल्यूडी विभाग वाला पैसा था जी। हेलो जी, अब मैंने ये टीचर विभाग का पैसा एक एक दिन का मैम कटा है, इसको 2.5 साल हो गए, इस पैसे के चक्कर में मैं पता नहीं कलेक्टर के कितने चक्कर काटे मैम, मुझे नहीं पता, शायद मुझे ध्यान भी नहीं है कितने चक्कर काटे हैं। 25 लाख और एक नौकरी देने की बात थी, नौकरी मिली आपके परिवार में किसी को? मैम मेरा भी कोई ख्वाब था कि मेरे बच्चे, पति छोटी नौकरी करते लेकिन मेरे बच्चों का भी ख्वाब था कि हम पढ़ लिख कर कुछ ऊंची नौकरी करें। नौकरी के लिए मुझे लेटर दिया गया है, अभी मेरा छोटा बच्चा बड़ा 20 साल का है, अभी वो बच्चा मेरा BSc सेकंड ईयर में, अभी वो नौकरी के लिए बच्चे ने मना कर दी कि मैं पढ़ लूंगा जब नौकरी लूंगा जी। ठीक है, और बड़ा, हाँ मैडम जी, दोनों बच्चे मेरे अभी पढ़ रहे हैं, अभी नौकरी मैंने नहीं ली है। ठीक है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी धनराशि थी उसको लेकर आपने कितने दिनों से आप चक्कर काट रही हो, और क्या कुछ आपको अधिकारियों के पास से मिल पा रहा है, क्या जवाब मिल रहे हैं? डीएम साहब के पास गई थी, डीएम सर ने मेरे को, जो पहले डीएम साहब थे वो तो चले गए, फिर दूसरे डीएम साहब आए हैं, इन्होंने मैंने बताया सारी बातें, इन्होंने शिक्षा विभाग से हमको एक लेटर जारी करवाया है जो पैसा धनराशि मांग गई है, और एक ड्राफ्ट गया है उसका पूरा सबूत मेरे पास है, उसके लिए मैं लखनऊ गई हूँ, लेकिन लखनऊ में मिलने नहीं देते हैं, और एक रुपया मुझे मिला नहीं है, एक रुपया भी नहीं मिला उसमें से। 65,57,000 रुपया मेरे पति की उसके लिए कटा था, बच्चों की मदद करने के लिए जी। अनीता जी आप सुन रही हैं? जी हाँ मैंने सुना, मेरी बहन, इन्होंने कहा है कि नौकरी के लिए कहा गया लेकिन नौकरी करने के लिए इनके अब बच्चे भी छोटे हैं। नंबर एक, नंबर दो सुनिए, नंबर दो इन्होंने ये भी बोला कि वहाँ से मैं क्या, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, जो इनका इन्होंने कहा मैं उसका जवाब दे रही हूँ, नौकरी देंगे आप सुन लीजिए मैडम, हमारी बात को भी सुन लीजिए, हम भी जवाब दे रहे हैं आपको, इन्हीं की बात का जवाब दे रहे हैं। और इन्होंने 11 लाख पे बोला कि OPWD से मदद दी मिली थी, सबको मिली थी, मुझको भी मिली थी, और जहाँ तक ये अब कह रही है कि जो इनके पति का पैसा इनको नहीं मिला, मैं ये हो सकता है कोई ऐसी वजह हो, कोई डॉक्यूमेंट को ऐसी बात हो ना मिला हो, ये अगर DM के पास जाए वहाँ पे अपने सारी बात रखे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको मिलेगा, नहीं तो ये मुझसे मिले, मैं इनकी बात को रख के आगे मुख्यमंत्री से बात करवा दूंगी। इनको अनीता जी उन्होंने बोला, उन्होंने DM के पास गई। और सुन लीजिए, ऐसा नहीं है पुलवामा के लोगों को नहीं मिला, इनका किसी वजह से होगा, कोई वजह हो सकती, कोई कारण हो सकता है, उसका पता करना पड़ेगा, पता करके बताया जा सकता है, बाकी पुलवामा के जितने लोग है आप मिला, ये वो भी मिली है, पैसा भी मिला अनीता जी, केवल मैंने कहा कुछ, ये वो बात है जिसमें कोई मसला, कोई किसी तरह की कोई भी, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी वजहों के चलते रुका हो, वजह आनी ही नहीं चाहिए। अगर आज हम और आप सुरक्षित सो रहे अपने घरों में तो इन्हीं लोगों की वजह से। देखिए एक चीज में बात, देखिए आप भी इसको अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं, आप भी, हर चीज का एक कागज वर्क है जो पूरा होता है, हो सकता है कोई कागज वर्क इनकम्प्लीट हो किसी वजह से, मैंने कहा ना कोई वजह हो सकती है, पुलवामा में सबको दिया गया है, मैं कह रही इनके साथ कोई वो एक आध वजह हो सकती है, वो क्या हो सकती है अनीता जी, मुझे नहीं समझ में आ रही कि पीड़ित की पत्नी को, शहीद की पत्नी को एक, माफ कीजिएगा अनीता जी, वो वजह मुझे नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, आप सुनना नहीं चाहती? नहीं मैं बिल्कुल सुनना चाह रही हूँ अनीता जी, लेकिन आप वाजिब बात करेंगी तो मैं बिल्कुल सुन रही हूँ।
सरकार का पक्ष रख रही हूँ मैं। मैंने कहा दूसरी तरफ से भी तो बात सुनी है ना, हो सकता है कुछ क्लैरिटी में कोई दिक्कत हो, इस वजह से पता इसको डीएम द्वारा पता किया जा सकता है, वहाँ के डीएम से पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों इनके साथ हुआ। ठीक है, ये तो वही बता ना। जरूरी है पूछना, लेकिन हमारा ये मसला उठाने के बाद पूछना, और उसके पहले अगर आपने पूछ लिया होता तो शायद हम तक ये बात ना आती और ये बात आज हम उठाना रहे होते। ठीक है अनीता जी, मैं आप पर आऊंगी जी। ठीक है, मैं आप पर आऊंगी। विवेक जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये कह रही है कि कोई ना कोई वजह रही होगी, वो डीएम के पास गए होते, केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम किया था उसमें आई होंगी तो मिल गया होगा, तो ये जो तमाम बातें हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है? वजह है क्या इसमें, कोई बात रह जाती है? आप गलत बोल रहे हैं, सहायता कार्यक्रम था वो, सहायता के लिए कार्यक्रम था, खाली स्पेशल कार्यक्रम नहीं था। बिल्कुल, मैं अनीता जी वही कह रही हूँ, के लिए कार्यक्रम किया गया था की सहायता देने, शिक्षा विभाग द्वारा अपनी धनराशि में से 1,000 रूपए सहायता राशि के तौर पर दी गई थी, मुख्यमंत्री तो सहायता कोष में वो चले गए रकम, फिर वो क्यों नहीं मिले पीड़ित शहीद के पति को? जवाब दीजिए, बात सुन के बात करिए आप, दूसरी तरफ भी तो बात सुनना ही चाहिए। अनीता जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात पूरी सुन रही हूँ अनीता जी, ऐसा नहीं आपकी बात नहीं सुनी, सुनना ही नहीं चाह रही तो मत बुलाइए आप, खाली एक तरफ की बात सुन के बोल दीजिए, डिलीट करा दीजिए। चलिए आपके पास 20 सेकंड, आपकी बात को कंप्लीट करिए। फायदा क्या जब आप एक ही बात को गलत तरीके से प्रभाव करें कि उन्होंने बुलाया कार्यक्रम में, जब कहे सहायता कार्यक्रम था, आप कह रहे हैं कार्यक्रम में नहीं बोले, अरे कार्यक्रम कोई तो वहाँ पे शहीदों का कार्यक्रम, सहायता कार्यक्रम था शहीदों का, उसमें हर पुलवामा के हर व्यक्ति को हर जगह घर जाके एजुकेशन दिया गया, उनको सहायता दी गई और सरकार की तरफ से नौकरी भी दी गई। मैंने कहा इनके साथ कुछ मामला हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, बाकी पुलवामा वाले जितने लोग थे सबको मिला के नहीं मिला, कुछ सारे तो अगर सबको ना मिला होता तो आज बहुत बड़ा इश्यू होता, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता। बिल्कुल, मतलब कोई एक कारण होगा, कोई वजह होगी, उसको समझने की कोशिश, कारण तलाश रहे हैं आप, गलत तरीके से उसको पेश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ब्लेम करने के लिए नहीं यहाँ पे चर्चा रखी हुई है, वो कारण तलाशने के लिए चर्चा रखी हुई है अनीता जी, माफ करिएगा। शहीदों के साथ हमारा मकसद इस मसले पर राजनीति करने का नहीं है, प्लीज आप शहीदों के साथ। ठीक है अनीता जी, 2 सेकंड मैंने आपको टाइम दिया, आपने अपनी बात रखी, अब मैं विवेक जी पर आना चाहूंगी, और विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बातें आपने तमाम सुनी है, अनीता जी ने जो बोली, जो शहीद की पत्नी ने बोली उनको लेकर, और मेजर जी ने जो बोली, तो आपको क्या लगता है क्या ये बातें सही है जो अनीता जी द्वारा कही जा रही है? मैं पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए, इस राष्ट्रीय सम्मान जिसको प्राप्त होना चाहिए था उनके विषय को उठाने के लिए, पहले तो कीर्ति आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे पुलवामा के शहीद परिवार के लोग जुड़े हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करते हुए उनका चरण स्पर्श करता हूं, और मैं अब बड़ी जिम्मेदारी से चाहूंगा कि मुझे इंटरप्ट ना करिएगा, कम से कम 1.5 मिनट सुनते जाए, सुन लीजिए पहले। इन्होंने जितना भी अग्रवाल जी ने जवाब दिया है, मैं इनकी सच्चाई पहले बता दूं, 65,57,000 जो कोष में पैसा आया, ठीक, वो शिक्षकों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ठीक। 2/9/19 के पत्रांक संख्या 9959-62/2019-20, मुझे उम्मीद है कि अनीता अग्रवाल जी के पास ये पत्रांक संख्या भी नहीं होगी, और 6/9/19 को ये मुख्यमंत्री कार्यालय के लेखा अनुभाग 2 को प्राप्त हो गया, जिसके अनुसार ये धनराशि मुख्यमंत्री कोष को प्राप्त हो गई थी। अब इसी क्रम में 2 चीजें और जोड़ लीजिएगा कीर्ति जी, अभी इन्होंने कहा ना सभी का सम्मान किया गया, सभी को सहायता दी गई है, अब आप सुन लीजिए, एक आरटीआई आई है अक्टूबर 5, 2019 की खबर के अनुसार 40 शहीद हमारे देश के जवानों के मात्र 12 परिवारों को नौकरी की पेशकश हुई है, जिसमें 9 उत्तर प्रदेश के हैं, एक जवान का परिवार केरल, एक का असम में रहता है, ठीक है, और पुलवामा हमले के 36 घंटे के भीतर ही वीर भारत कोर फंड में 7 करोड़ रुपए जमा हो गए थे, और इस फंड में अगस्त 2019 तक 258 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन जिस तरीके से जो पैसे बांटे गए इसमें मात्र 5,68,00,000 रुपए शहीद के परिवारों को बांटे गए, मतलब औसतन एक परिवार को 15,00,000 रुपए की मदद की गई थी। अब इन्होंने कहा था कि केशव मौर्य जी के कार्यक्रम में आना 40 परिवार, एक ऐसे 40 जवान जो इस देश की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त हो गए, क्या वो किसी पेपर वर्क के मोहताज है? उनके परिवार के लिए कोई पेपर वर्क जरूरी है क्या? उनके जो आईडी कार्ड थे उनके ऊपर सीआरपीएफ का टैग लगा था, ये पेपर वर्क तो आंतरिक बातें हैं ना, सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है ना, इस पेपर वर्क से उन परिवारों को क्या लेना देना? और दूसरा, मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी से बात बताइए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के कैबिनेट में कितने मंत्री हैं?
40 मंत्री क्या 40 परिवारों से जाकर के व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं कर सकते थे? क्या प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा जा सकता था 40 लोग का बना करके एक एक परिवार के पास? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बहुत दुख होता है कि अनिता अग्रवाल जी बैठ करके राष्ट्रीय पटल पे शहीदों के परिवार के सामने उनको गलत ठहराते हुए झूठ बोल रही है, ये इस सरकार की सबसे पहले तो पोल खोल गई। पुलवामा हमले का जम करके इन्होंने क्रेडिट लिया, राजनीतिकरण किया, चुनाव के समय मुद्दों को भुलाने की। लेकिन प्लीज इस मुद्दे पर राजनीति नहीं, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं। ये आंकड़े इन्होंने क्यों नहीं बताए? ये आंकड़े जो मैंने आपको दिए 258 करोड़ रुपए जो इस फंड में आ गए थे, ये बताइए ये आंकड़े इनको बताने चाहिए थे, इन्होंने क्यों नहीं बताए? दूसरी बात, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ आप 40 प्रतिनिधि मंडल बना करके 40 मंत्रियों को 40 परिवारों से मिलने के लिए एक दिन के लिए 2 घंटे के समय के लिए नहीं भेज सकते थे? ये आपका काम था भेजना, आपका काम था उनको संवेदनशीलता के साथ उनके परिवारों को न्याय देना। आपने अभी तक सबको नौकरियां दी थी, 12 परिवारों को मात्र नौकरी दी गई है। बुलाया गया था जी अनिता जी, आप जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करिए, क्या कह रही हैं आप? देखिए ये जो कह रहे हैं कि लोगों से मिलने नहीं गए, ये गलत बता रहे हैं। हमारी सरकार का प्रतिनिधिमंडल सबके यहाँ मिलने गया है, सबको व्यक्तिगत रूप से इनवाइट भी किया गया था, सबको दिया गया है। इनवाइट क्यों किया? आपको जाना चाहिए था, क्या वो कोई फंक्शन चल रहा था? राजनीतिक कोई कार्यक्रम था? पब्लिसिटी खराब बात करते क्या? प्लीज देखिए विनय जी और अनिता जी, प्लीज राजनीति नहीं, सिर्फ इस मसले का हल बताइए कि क्यों एक पीड़ित इतने सालों से भटक रही है, 3 से 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। कीर्ति इस मसले का हल यह है कि ऑर्डिनेंस पास करके अभी मुख्यमंत्री कार्यालय एक वित्त कोषागार के जो सचिव है उनको निर्देश जारी करके 24 घंटे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऋषि जी पर जाना चाहूंगी, इसके बाद मैं अनिता जी आप पर आऊंगी और आपसे जानूंगी कि आप क्या कह रही थी। ऋषि जी आपको क्या लगता है कि ये जो मसला राजनीतिक मूड पे जा रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं लेके जाना, लेकिन एक पीड़िता आपने भी सुना कि किस तरह से वो दर दर भटक रही थी, पेपर वर्क इंपॉर्टेंट होता है क्या इन सब चीजों पर और वजहें निकलती है क्या, ये जरूरी है? देखिए ऐसा है कि शहादत सैनिक देश की जनता, शहीद सिपाही लड़ने वाला, वो किसी ना तो रिस्पेक्ट का मोहताज होता है, कौन क्या कर रहा कौन नहीं कर रहा ये अपना वो जाने, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को, अपने देश की सीमाओं को अपनी जान की बाजी लगा करके, अपना बलिदान दे करके सुरक्षित रखें। तो उस पर किसी भी तरह की डिबेट उस चीज़ को डिमीन नहीं कर सकती, उनके घर कोई जाए ना जाए, उनको कोई बुलाए ना बुलाए, उनकी इज्जत तो ऊपर वाला देखता है और वो जज्बा देखता है जो सारी जनता देख रही भारत की, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा सुझाव यह है कि मैं इन स्टैटिस्टिक्स पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जैसे तमाम सारी चीज़ों की घोषणा की जाती है, घोषणा की जाती है उस टाइम एक जोश आया हुआ होता है और तमाम सारे डिक्लेरेशन हो जाते हैं, तो उनका टाइम बाउंड वे में एक समय निर्धारित के तौर पर वो सारी चीज़ें उनको उनके यहाँ पे इज्जत के साथ दे दी जानी चाहिए, उनका तमाशा नहीं बनना चाहिए। पहली चीज़ तो जैसे अभी आपने ये चीज़ उठाई, प्राइम टीवी ने ये चीज़ उठाई है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आनी चाहिए थी और जहाँ से भी कमी हो रही होगी। अब मुझे जैसे लगा डिबेट से पता चला कि कई सारे डिपार्टमेंट्स ने कंट्रीब्यूशन करके एक एक से मिल रहा है, एक एक से नहीं मिल रहा है, तो ये सारा सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड होना चाहिए एक सिंगल विंडो सिस्टम में, जो सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट हो इनका या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो इनका, एक एक पैसे का ड्यूज निकाल करके और बाइज्जत उसके अकाउंट में या जहाँ पर जिस तरीके से देना चाहते हैं इज्जत के साथ वो दे देना चाहिए था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उसमें कोई खामियां आ रही हैं, कोई पेपर वर्क में आ रहा है, तो ये भी डिपार्टमेंट की चीज़ है, जाके उसको रेक्टिफाई कराना। इतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इतना ऑफिशियल जानकारी नहीं होती परिवार के लोगों को, जब गाज गिरती है तो ये तो व्यक्तिगत, हम लोग इस चीज़ को देखे हुए हैं ना कि वहाँ पे समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या आगे। जब वहाँ पे ऐसी खबर जाती है उनके घर परिवार में, तो माँ बाप से लेकर पति पत्नी से लेकर बच्चे रिश्तेदारों से लेकर के इतना पैनिक्ड वे में वो होते हैं कि उनको सूझता नहीं कि क्या किया जाए। तो उसके लिए वैसे एक सिस्टम होता है कि डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट में वो नौकरी कर रहे होते हैं वहाँ से लोग जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं गए होंगे वहाँ पे। लेकिन अब वो चीज़ें उस टाइम जितनी होनी उनके बस की थी वो हो गई, लेकिन जो बचे हुए ड्यूज हैं डिक्लेयर से, अभी मेन चीज़ इनका ममता जी का कहना है कि जो टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, जो टीचर्स ने कंट्रीब्यूट करके एक फंड रेज किया, मेन चीज मुद्दा वही इन्होंने उठाया है यहाँ पे, और वो इनको नहीं मिला है।
तो उस चीज में ये सुनिश्चित करने की चीज है कि अगर एक डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं करता है कि वो किसकी जिम्मेदारी है, किस फंड में आएगा, अगर चीफ मिनिस्टर के सेंट्रल फंड में आता है तो वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि तुरंत का तुरंत उसको निराकरण करके, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और क्यों उन्हें सीएम और प्रधानमंत्री तक पत्र लिखने की ये जरूरत आ पड़ी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने सीएम और प्रधानमंत्री, ये सिस्टम का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोगों की कमी होगी इसमें, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों की कमी होगी, फाइल कहीं दबी पड़ी होगी, वो बार बार जा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही और ऊपर से लोग इसका ध्यान नहीं दे रहे। कुछ लोगों की ही कमी है। जो प्रवक्ता चूंकि रूलिंग पार्टी से हैं, बाकी तो अभी मदद करने की स्थिति में क्या बताऊं, जो रूलिंग पार्टी की यहाँ प्रवक्ता हुई अनीता अग्रवाल जी, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को आज का इसको ऑफिशियली अपने नोट में लें, और नोट में लेकर के जैसे एडवाइस कर रही थी कि आप डीएम के पास जाएं, डीएम के पास क्यों जाएंगी, वो कोई भीख है क्या, वो आप लोगों ने एक ऑनर दिया है। बिल्कुल अनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आज के आज आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए, आप अनीता जी कर रहे हैं, ठीक है अनीता जी, प्राइम टीवी के माध्यम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के आज इस मसले का हल होगा, इस पर आप चर्चा, इस पर कमेटी बैठाएंगे कि क्यों ये पैसा नहीं गया, और ऐसे और भी जो पीड़ित होंगे उनकी मदद आप करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल ऊपर रखूंगी, निश्चिंत रहिए, मेरा विश्वास करिए, और पूरी तरीके से इनकी मदद होगी, इस बात को हम स्वयं रखेंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द इस पर आप कार्रवाई करिए। ममता रावत जी, आपने सुना अनीता जी ने क्या बोला, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ मैम, लेकिन मैम कबूल नहीं है ना कि डीएम पास, डीएम सर के पास जाओ। मैम मैंने पता नहीं कितने चक्कर, मुझे ये ही नहीं पता कि मैंने डीएम साहब के कितने चक्कर लगाए होंगे। नहीं ठीक है अनीता जी, एक काम करिए, आप अभी इसी वक्त, आप अभी मैं कॉल करूंगी और मैं ममता जी को आपका नंबर दे दूंगी और आप उनसे संपर्क करेंगी, वो आपसे, आप सुनिश्चित कर रही हैं कि आप इनकी मदद करेंगी? बिल्कुल इनकी मदद करेंगे, इनके लिए हम पूरी बात रखेंगे ऊपर, ठीक है अनीता जी, ठीक है। हमारा मकसद यही था कि हम ममता जी की मदद कर सके, और हमारे जरिए अगर ये हो पाया है तो हम खुद को बहुत ज्यादा गौरवशाली महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने एक आवाज उठाई थी जो एक शहादत हो गई जिन की, और उस पर लेकर अगर अभी तक धनराशि नहीं मिल पाई है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हमारे माध्यम से किसी पीड़ित का, हम पीड़ित नहीं कहेंगे, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो तमाम जो हमारे लिए रक्षा पे खड़े हुए थे, तो उनको हम पीड़ित नहीं कह सकते, वो हमारे सम्मान गौरवशील व्यक्ति हैं, तो उनके अगर परिजनों को मदद कर सके हम, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।